नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार गोयल एल्यूमिनियम की और इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या संभावनाएं बनती हैं यहाँ पर अपर सर्किट लगने की, क्योंकि पीछे एक बार यहाँ पर 15 रुपये के आसपास हलचल देखने को मिली थी। यहाँ पर ऑपरेटर्स ने एंट्री करी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए पैनिक के चलते, और यहाँ पर रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगा दिए और वहाँ पर उन लोग भी आके फंस गए थे। तो अभी किस लेवल पे रुक सकता है, तो आज हम लोग यहाँ वीकली कैंडल का एनालिसिस करेंगे। हम लोग जनरली अभी रेगुलर कैंडल्स का मतलब यानी कि वनडे कैंडल का एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग आज वीकली कैंडल देखेंगे क्या उसमें मामला निकल कर आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, ज्वाइन कर लीजिए। आप इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई टिप वगैरह मैं नहीं देता हूँ, नहीं मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि भैया बच के रही, नहीं तो आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और न्यूज़ डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के यहाँ पर लिंक शेयर करता हूँ, ताकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भैया 13:30 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको हाई लो और ओपन सब एकदम वही दिख रहा है। फिलहाल आपको कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा, हालांकि ASM शेयर में इसने सेबी में इसको डाल रखा है फिलहाल। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो यहाँ पर 32,893 क्वांटिटी ट्रेड की गई है, और उतने का ही मतलब कुल मिला के डिलीवरेबल क्वांटिटी भी जो है वो 32,893 ही है। और ये मामला है फिलहाल 1 जून 2023 का 4:04 का शाम को। वो पीछे वाला मामला BSE का था और ये मामला है NSE का, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम आपको दिख रहा है 1,32,275, में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 100% डिलीवरी उठाई गई है और 1,32,275 आपको यहाँ पर फिलहाल मामला दिख रहा है। अगर बात करेंगे सेलिंग ऑर्डर की, तो देखिए 9:32 का ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है लगभग, और खुलते ही देखिए लगभग 30 लाख के करीब यहाँ पर शेयर्स लग जाते हैं बेचने के लिए। 27,000 का वॉल्यूम इसने तब जनरेट किया था। और अगर BSE की बात करेंगे तो यहाँ पर 13,29,285 शेयर लग जाते हैं बेचने के लिए खुलते ही, और यहाँ पर 22,308 का वॉल्यूम इसने केवल जनरेट किया था। तो यहाँ पर अच्छा खासा आप देख पा रहे हैं सेलिंग प्रेशर तुरंत आ जाता खुलते ही, और इसी इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, इतना ज़्यादा पैनिक था, इसी के चलते जो ऑपरेटर सेंटर किए थे वो भी मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाए और वो फिर फटाफट निकल गए उसी रेट पे, जिस रेट पे लिया था उसी रेट पे निकल ही गए। और कुछ अभी हालांकि अच्छे खासे शेयर्स उनके फंसे भी हैं, रख रखे हैं, नहीं निकल पाए हैं। तो 1 मंथ का एवरेज देखेंगे 5 लाख है 1 वीक एवरेज, जहाँ पर अभी इसने अच्छा थोड़ा सा गेन किया है, 22 लाख निकल के आया है। यस्टरडे की यानी कि परसों की बात है 2 लाख, और कल की बात है यहाँ पर आपको 2 लाख देखने को मिला है। तो वॉल्यूम देखिए अचानक से ये वही वाला वॉल्यूम है जब थोड़ा एंटर हुए थे, ये हालांकि 1 वीक एवरेज है, वो तो लगभग 97 लाख के आसपास निकल के आया था उस दिन वॉल्यूम। और यहाँ से आप देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है वॉल्यूम में। चार्ट की बात करेंगे तो ये वीकली कैंडल है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और लगातार आपको धराशायी होता हुआ ये दिख रहा है 13.30 रुपये पे। और आपको जो ये वाला लेवल है ये वाला देखिए, यहाँ पर इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस भी किया है, यहाँ पर 1, 2, 3 बार लगभग रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये ऊपर जैसे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है और फिर उसके बाद ये लगातार भागा। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी 10 रुपये वाले लेवल अब फिलहाल एक आखिरी होप जो है फिलहाल बचती है, क्योंकि अभी RSI अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वीकली लेवल पे 34.85 का है, तो अभी RSI भी मुझे लगता है थोड़ा सा और टूटने को देखने को मिल सकता है। बस अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, नए लोग जो हैं बिल्कुल दूर रहेंगे इसे, एंट्री बनाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और पुराने लोग जिन्होंने ऊपर ले रखे हैं एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंंगे। जैसे जो चल रहा है फिलहाल अभी चलने दीजिए और इसको एक बार सेटल होने दीजिए। चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।